और आज हम आपको बताएंगे कैसे सफेद होते हुए बालों को घरेलू उपाय के द्वारा काला किया जाए। समय के साथ साथ बालों का सफेद होना एक आम बात है जिसे हम और आप नहीं रोक सकते, लेकिन आजकल दूसरे कारणों से भी बाल सफेद होते हैं। आजकल हमारा रहन सहन, पर्यावरण, खान पान और दिनचर्या किशोरावस्था से ही बालों को सफेद करने लगे हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से वो घरेलू उपचार हैं जिनसे हम घर बैठे ही अपने बालों को सफेद होने से रोक सकते हैं। आधे कप दही में चुटकी भर काला नमक मिलाकर उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं और अपने बालों में लगाएं और इसे 15 मिनट बाद धो लें। आप देखेंगे कि आपके सफेद होते हुए बाल काले होने लगेंगे। बेसन मिले दूध या दही से बालों को धोएं, काफी हद तक फायदा दिखेगा। आंवले का रस या तेल से मालिश करें सर पे, या सूखे आंवले को नारियल के तेल में डालकर उबालें तब तक जब तक कि आंवला काला ना हो जाए। फिर इस तेल को रात में सोने के पहले लगा लें और सुबह उठकर धो लें। ऐसे सप्ताह में 2 बार करें। एक बड़ा चम्मच आंवले का गूदा लेकर उसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस मिलाएं और रात को सोने से पहले बालों पर लगा लें। सुबह उठकर धो लें, आपके सफ़ेद होते बाल काले हो जाएंगे। एक मुट्ठी करी के पत्ते को नारियल के तेल में मिलाकर उबालें और जब तक ये पत्ते काले ना हो जाएं तब तक इसे उबालते रहें। उबालने के बाद इसे छान लें और इस तेल का यूज़ करें। इस तेल को बालों में 35 से 40 मिनट तक मसाज करें और फिर धो लें। ऐसे सप्ताह में 1 से 2 बार करें, आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा। इसी तरह हिना के पत्तों को भी नारियल के तेल या सरसों के तेल में उबाल सकते हैं जब तक कि पत्ते जल ना जाए, और फिर इस तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। नारियल के तेल में 3 छोटे चम्मच नींबू का रस मिलाकर बालों को मसाज करें, 1 घंटे बाद धो लें। ऐसा रोजाना करने से बाल काले होते हैं। बालों की जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अधिक बनने के कारण हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि प्याज के रस को अगर हम अपने बालों की जड़ों में 1.5 से 1 घंटे तक मसाज करते हैं और फिर धो लेते हैं तो इससे भी हमारे बाल काले होने लगते हैं कुछ ही सप्ताह के अंदर। 2 छोटी चम्मच काली चाय की पत्ती को 1 कप पानी में बॉईल करें और फिर इसमें 1 छोटा चम्मच नमक मिला लें। इस पानी से बालों को धोएं और 20-25 मिनट बाद ठंडे पानी से धोएं। शैम्पू ना करें। सप्ताह में 1-2 बार करने से आप देखेंगे आपके बाल काले हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने बालों को शैम्पू कर लें, उसके बाद चौलाई के साग का रस अपने बालों की जड़ों में लगाएं और मसाज करें और कुछ देर तक रहने दें। थोड़ी देर बाद इसे धो लें। आप देखेंगे कि आपके बालों का नेचुरल कलर वापस आ जाएगा और आपके बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होंगे। रोज़ाना 1 चम्मच काले तिल का सेवन करें और साथ ही साथ तिल के तेल का प्रयोग अपने बालों में करें। चाइनीज मेडिसिन में काले तिल का प्रयोग बालों के लिए काफ़ी लाभकारी बताया गया है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे ज़रूर अपनाएंगे और अपने कमेंट्स भी हमें देंगे। तो इसी के साथ ही सफ़ेद बालों को काला कैसे करें इस विषय पर बनाए स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और भी घरेलू नुस्खे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज मैं आपको बताऊंगी गुड़ के क्या क्या फायदे हैं और साथ ही साथ गुड़ को अलग अलग तरह के नुस्खों के तौर पर कैसे प्रयोग किया जा सकता है। गुड़ प्राकृतिक तरीके से ताजे गन्ने के रस से बनाया जाता है और गन्ने की फसल सर्दियों में होती है, इसलिए गुड़ को सर्दियों में बनाया जाता है और इसे 12 महीने खाया और खिलाया जा सकता है।